ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है 8 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण श्रृंखला का भाग 5 नारी शक्ति देश की शक्ति। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है आकाशवाणी संवाददाता विनीता ठाकुर, चंद्रिका जोशी और तृप्ति श्रीवास्तव ने। भारतीय लोकतंत्र में महिला और पुरुष को समान अधिकार प्राप्त हैं। नए भारत का ये दौर नारी शक्ति का युग है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार इतने व्यापक पैमाने पर नारी शक्ति को राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वर्तमान सरकार ने महिलाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अवसरों की तलाश की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा कि वे नारी शक्ति और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों का अभिनंदन करते हैं। महिलाएं पुराने मिथकों को तोड़ रही हैं। आज हमारे देश में पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक अलग अलग कार्यक्षेत्र में महिलाएं नई ऊंचाई प्राप्त कर रही हैं। सेना में भी बेटियां अब नई और बड़ी भूमिकाओं में जिम्मेदारी निभा रही हैं और देश की रक्षा कर रही है। गणतंत्र दिवस पर हमने देखा कि आधुनिक फाइटर प्लेन्स को भी बेटियां उड़ा रही है। देश ने सैनिक स्कूलों में भी बेटियों के एडमिशन पर रोक हटाई और पूरे देश में बेटियां सैनिक स्कूलों में दाखिला ले रही है। इसी तरह अपने स्टार्टअप जगत को देखें, पिछले सालों में देश में हजारों नए स्टार्टअप शुरू हुए। इनमें से करीब आधे स्टार्टअप में महिलाएं निदेशक की भूमिका में हैं। पिछले कुछ समय में महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश बढ़ाने जैसे निर्णय लिए गए हैं। बेटे और बेटियों को समान अधिकार देते हुए विवाह की उम्र समान करने के लिए देश प्रयास कर रहा है। इससे हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सफलता को ही लीजिए, आज देश में लिंग अनुपात सुधरा है। स्कूल जाने वाली बेटियों की संख्या में भी सुधार हुआ है। इसमें हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमारी बेटियां बीच में स्कूल न छोड़ दें। इसी तरह स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश में महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति मिली है। ट्रिपल तलाक जैसे सामाजिक बुराई का अंत भी हो रहा है। जब से ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून आया है, देश में 3 तलाक के मामलों में 80% की कमी आई है। ये इतने सारे बदलाव इतने कम समय में कैसे हो रहे हैं? ये परिवर्तन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे देश में परिवर्तन और प्रगतिशील प्रयासों का नेतृत्व अब खुद महिलाएं कर रही हैं। सरकार ने देश के भविष्य को संवारने की दिशा में अत्यंत व्यापक पहल की हैं। इनमें जननी शिशु स्वास्थ्य की चिंता, प्रसव के दौरान मातृ सुरक्षा के लिए सहायता प्रदान करना शामिल है। सिन्हा OBGY विशेषज्ञ एवं विभाग अध्यक्ष सरकार अस्पताल में कार्यरत 8 साल पहले भारत सरकार की एक नई पहल PMSMA थी, अर्थात प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जिसके तहत प्रत्येक माह की निश्चित 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को व्यापक और गुणवत्ता युक्त प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना सुरक्षित किया गया। इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उनकी गर्भावस्था के दूसरी और तीसरी तिमाही की अवधि के दौरान प्रसव पूर्ण देखभाल सेवाओं का न्यूनतम पैकेज प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता ये है कि प्रसव पूर्ण जांच सेवाएं OBGY विशेषज्ञ या सीनियर चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाती है। इसका फायदा ये हुआ कि हमारी MMR और IMR में भारी गिरावट हुई, क्योंकि एनीमिया, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, एक्लेम्शिया, इन सब का स्क्रीनिंग टाइम रहते हो गया, इससे काफी महत्वपूर्ण फायदा मिला। सही पोषण देश रोशन का मंत्र देकर सरकार ने जो प्राथमिकताएं तय की हैं, उनमें आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के सहयोग की अनदेखी नहीं की जा सकती। सरकार की उपलब्धि का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि आशा कार्यकर्ताओं को WHO डायरेक्टर जनरल के ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड के लिए चुना गया है। UN ने उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन पे उनको रिकॉग्नाइज किया। PM मातृ वंदना योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं।
सुदूर क्षेत्रों की महिलाओं के शौचालय की व्यवस्था को वर्तमान सरकार ने महत्वपूर्ण प्राथमिकता दी। पीएम आवास योजना ग्रामीण योजना के अंतर्गत 69% घर या तो साझा तौर पर या फिर अकेले औरतों के नाम किए जा चुके हैं। मेरा नाम श्रुति है, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश में अपने परिवार के साथ रहती हूँ। 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमें 2 लाख रुपए नकद दिए गए थे, जिसमें हमने कुछ अपने पैसे जोड़कर अपने लिए एक मकान बनाया, जिसमें कि 2 कमरे, 1 किचन और 1 बाथरूम है। अब मैं अपने परिवार के साथ उस मकान में खुशी से रहती हूँ। हमें किसी चीज की कमी नहीं है क्योंकि अब हमारे पास रहने के लिए एक छत है। लकड़ी के ईंधन से स्वास्थ्य और आंखों पर पड़ रहे प्रभाव पर सरकार की संवेदनशीलता ही उज्ज्वला योजना लेकर आई। औरतों के लिए रसोई धुआं रहित बने रहे, इसके लिए अब तक कुल 9 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए हैं। முன்னாடியெல்லாம் நாங்க வந்து விறகடுப்புல சாப்பாடு செய்யணும் ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம். पहले जब खाना बनाते थे तब बहुत परेशानी होती थी। बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए टाइम से खाना नहीं बन पाता था क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लगता था। उज्ज्वला आने से हमको बहुत फायदा हुआ। गैस पर खाना बनाने से अब खाना जल्दी बन जाता है, बच्चों को टाइम से स्कूल भेज पाते हैं। पहले आंखों में भी दिक्कत होती थी, गैस आने से कोई दिक्कत नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी अवर्गलुक्कु नंदि सेलुत। देश भर में लाभार्थियों से स्वयं प्रधानमंत्री ने बातचीत की। ललिता देवी जी प्रणाम। प्रणाम सर। अच्छा ललिता जी, आपको सरकार की किन योजनाओं का लाभ मिला है? उसमें से कौन सी योजना थी जिसका आपको लाभ मिला है? घर मिला सर। घर जैसे पहले माटी घर चले सर, नारा घर, जैसे माटी घर नारा घर चले। बहुत चुबे चले पानी सर, बच्चा बुतरू बहुत दिक्कत होवे चले सर। पक्का मकान होले कोई चीज के दिक्कत नहीं होवे छे सर। बच्चा बुतरू बहुत बढ़िया से रहे। आसन आसन शौचालय बनाए लिए सर, जैसे शरम लगे सर। अब शरम नहीं लगे, सब बच्चा बुतरू मिल के सब परिवार मिल के घर शौचालय करे छे। आज दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक महिलाएं 75 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप में मोबिलाइज की गई हैं। मेरा नाम नीता केजरीवाल है, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव हूँ। ग्रामीण विकास मंत्रालय एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है जिसका नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसके अंदर ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के अंदर लाया जाता है और फिर उनकी सहायता की जाती है उनके बैंक लिंकेज के लिए और उनके जो अलग अलग आमदनी के स्रोत होते हैं उनको सशक्त करने के लिए। अब तक हमने 8 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को 76 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह में जोड़ लिया है और इन महिलाओं ने बैंक से 5 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन मोबिलाइज किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो NPA है वो नेशनल लेवल पर 2.1% है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो रीपेमेंट्स ये महिलाएं कर रही हैं वो भी बहुत ही अच्छा है। आइए सुनते हैं एक लाभार्थी से बातें। मेरा नाम स्नेहलता है, बाराबंकी मसौली जिला में रहती हूँ। जन धन योजना जो प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी उससे हमें बड़ा फायदा हुआ। पहले हम अपना धन घर पर रखते थे, 2000 रुपए हमें मिले और उसके बाद हम अपना 5000 रुपए देने लगे हैं, जमा करने लगे हैं। प्रधानमंत्री का बहुत आभार प्रकट करती हूँ। देश के भविष्य की सुनहरी रेखा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने सफलता का इतिहास रच दिया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों के एनरोलमेंट में 2015 से 2020 के बीच 18% की वृद्धि दर्ज की गई। कामकाजी महिलाओं को वेतन सहित 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जा रहा है, जो विश्व में सबसे अधिक अवधि का वेतन सहित अवकाश है। इतना ही नहीं, बच्चों के 18 वर्ष की आयु के होने तक कामकाजी महिला के लिए शिशु देखभाल अवकाश भी दिया जाता है।
स्वस्थ मातृत्व सुनिश्चित करने की दिशा में ये न केवल सराहनीय कदम है बल्कि ये देश के भविष्य को संवारने में मातृशक्ति को संबल प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने स्वयं एक बार कहा कि वित्तीय समावेश से लेकर सामाजिक सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा से आवास, शिक्षा से लेकर उद्यमशीलता तक भारत की विकास यात्रा में नारी शक्ति को अग्रिम मोर्चे पर रखने के लिए असंख्य प्रयास किए गए हैं। आने वाले समय में इन प्रयासों को और अधिक ऊर्जा के साथ जारी रखा जाएगा। यही वक्तव्य चरितार्थ करते हुए सरकार ने कौशल विकास की दिशा में महिलाओं के लिए मुद्रा योजना द्वारा स्वरोजगार के लिए बैंकों से आसान दर पर ऋण की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 68% से अधिक खाते महिला उद्यमी के नाम है। रिटायर्ड चीफ जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विजय रंजन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का 8 वर्षों का कार्यकाल महिलाओं के आर्थिक उन्नयन के लिए काफी हद तक जाना जाएगा। उन्हें फाइनेंशियली इंक्लूड किया गया। 39 करोड़ अकाउंट जो खोले गए जनधन में, उसमें से 21 करोड़ अकाउंट महिला खाता धारकों के, उनको एसएचजी स्कीम से जोड़ा गया और एसएचजी स्कीम में जितने भी एसएचजी में मेंबर्स थे उनको मुद्रा लोन उपलब्ध कराए गए। 15 करोड़ मुद्रा लोन सैंक्शन हुए जो सिर्फ महिलाओं को सैंक्शन किए गए। 1.5 करोड़ सुकन्या समृद्धि अकाउंट अभी तक खुला है और ये स्कीम सिर्फ छात्राओं के लिए है, बालिकाओं के लिए है। जो 10 वर्ष तक की बालिकाएं हैं उनके लिए खाता खुलता है और 21 वर्षों की मैच्योरिटी पीरियड तक आप इसको ले जा सकते हैं। इनकम टैक्स एग्जम्पशन भी है। लक्ष्मी एम पेर नशमा सिरत मूलमा। मेरा नाम लक्ष्मी है। 4 साल से मैं शक्ति राइस मिल चला रही हूँ। 4 साल में एक मशीन खरीदी, थोड़ा थोड़ा पीसना शुरू किया, फिर मैंने दूसरी मशीन खरीदी। इससे ही काम चल रहा था, जो कमाते थे वो पूरा हो जाता था। इसके बाद मुझे मुद्रा लोन के बारे में पता चला। मैंने वहाँ कॉन्टेक्ट किया, बैंक ऑफिसर ने आके देखा और मेरी स्थिति देखते हुए लोन का प्रॉमिस किया। 1 महीने में मेरा लोन सैंक्शन हो गया और उसी से मैं अब अपना काम करती हूँ। अब मैं अपना लोन वापस कर रही हूँ। लोन अड़े मध्य नंबर पीएम कौशल विकास योजना में कुल प्रशिक्षित लोगों में 40% लड़कियों के नाम रजिस्टर्ड हैं। वहीं स्टैंडअप इंडिया की अगर बात करें तो इस योजना में 81% से अधिक उद्यमी महिलाएं हैं। इन योजनाओं ने स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ रही महिलाओं के आंखों में न केवल सपन दिखाए बल्कि सपने पूरा करने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। खेलो इंडिया में महिला खिलाड़ियों की भागीदारी में 2018 से 2020 में 160% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को मोटिवेट करते हुए, आत्मनिर्भर नारी सब प्रभारी की सोच आज देश की महिला शक्ति को उड़ान भरने के लिए आंखों में खुशियों की चमक दे रही है। आज भारत में रजिस्टर्ड पायलट्स में 15% महिला पायलट हैं। अब राजनीति में भी महिला विशेष रूप से रुचि ले रही हैं। लोकसभा में अब तक के इतिहास में सर्वाधिक संख्या में महिला सांसद हैं। लोकसभा में ये संख्या 2009 से 2014 में 64 से बढ़कर 2019 से 2024 के सत्र में 78 हो गई है। रक्षा क्षेत्र में ऊंची छलांग की चर्चा न करें ये संभव नहीं हो सकता। मोदी सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में कई ग्लास सीलिंग को ब्रेक किया है, जैसे सेना में महिलाओं का परमानेंट कमीशन देना, सैनिक स्कूलों को लड़कियों के लिए खोलना, नेशनल डिफेंस एकेडमी में औरतों को ट्रेनिंग का अवसर प्रदान करना सरकार की प्रतिबद्धता का परिचायक है। अभी हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनकर कैप्टन अभिलाषा बरार ने देश के लोगों को एक बार फिर यह एहसास दिलाया है कि आत्मनिर्भर नारी सब पर भारी किसी भी लक्ष्य को पाने में न तो पीछे रही है और न कभी पीछे रहेगी। सुशासन के 8 सालों में महिलाओं की स्थिति और अधिक अच्छी हुई है। नारी न सिर्फ भयमुक्त हुई है बल्कि उसे सपने सिर्फ देखने की ही नहीं उसे सच करने की शक्ति भी विगत कुछ वर्षों से प्राप्त हो गई है। हर एक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा एक बेहतरीन भविष्य की ओर बढ़ती नारी देश को सुदृढ़ करने में भी सहायक हो गई है।
नए भारत की नारी शक्ति को सलाम। अभी आप सुन रहे थे 8 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण श्रृंखला का भाग 5 नारी शक्ति देश की शक्ति। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आकाशवाणी संवाददाता विनीता ठाकुर, चंद्रिका जोशी और तृप्ति श्रीवास्तव ने। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।